पीसीएस करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, 1 अक्टूबर से लागू होगी टोकनाइजेशन प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में स्पष्ट संकेत दिया कि वह कार्ड आधारित भुगतानों के टोकनाइजेशन के कार्यान्वयन हेतु 1 अक्टूबर की समय सीमा नहीं बढ़ाएगा। इस संबंध में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक केवल इसलिए इस नवाचार को वापस नहीं लेगा क्योंकि कुछ हितधारक इसके कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक क्षेत्र के लगभग सभी हितधारक टोकनाइजेशन को लागू करने के लिए तैयार हैं। अब बात करें टोकनाइजेशन के विषय में, तो टोकनाइजेशन का आशय संवेदनशील भुगतान क्रेडेंशियल्स जैसे 16 अंकीय क्रेडिट कार्ड नंबर, नाम, समाप्ति तिथि आदि को एक कोड में बदलने से है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आवर्ती भुगतान किए जाते हैं या जब मर्चेंट चेकआउट प्रक्रिया को तेज करने के लिए कार्ड की जानकारी संग्रहित करते हैं। टोकन के साथ व्यापारी को उपभोक्ता के क्रेडिट कार्ड की जानकारी संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए लेन देन अधिक सुरक्षित होता है। अब बात करते हैं कि इस प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है। तो अधिकांश ऑनलाइन मर्चेंट ग्राहक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को संग्रहित करते हैं, जिससे डिजिटल भुगतान में लगने वाली अवधि कम होती है। हालांकि ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां इस संग्रहण की वजह से ग्राहकों को हैकिंग का शिकार होना पड़ा है और साथ ही इससे उन्हें नुकसान भी हुआ है। ऐसे में इस प्रणाली का उद्देश्य ग्राहकों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करना है।